गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने व्याकरण का एक पोर्शन उपसर्ग पढ़ेंगे. ओके, तो बच्चों उपसर्ग को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें जानते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग आखिर क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. ठीक है, उपसर्ग का इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, किसी शब्द से उपसर्ग को और मूल शब्द को कैसे अलग करेंगे और उपसर्ग के कितने भाग होते हैं. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. तो पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर उपसर्ग का प्रयोग हम लोग करते क्यों हैं, क्यों जरूरी है उपसर्ग का प्रयोग और उपसर्ग का प्रयोग करके क्या बदलाव आता है शब्दों में. तो आइए जानते हैं. हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है. इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश, शब्दांश अर्थात शब्द के अंश, एक पार्टिकुलर शब्द नहीं, शब्द का एक अंश. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिखा राम. ओके, ये एक शब्द है, पर इसको यदि रा को अलग करके लिखे और म को अलग करके लिखे तो ये कहलाएगा शब्दांश. रा या म, ये क्या कहलाएंगे, शब्दांश. अर्थात ये शब्द के क्या है, एक अंश है. ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब शब्दों के किसी शब्द के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना, इस तरह से प्राप्त नए शब्दों के अर्थ में नवीनता देखी जाती है. जब हम किसी शब्द के आरंभ मतलब पहले या अंत मीन्स बाद में किसी शब्दांश को जोड़ते हैं तब एक नया शब्द तैयार होता है. ठीक है, बट उस नए, बोला जा रहा है कि इस तरह से प्राप्त नए शब्द में क्या होता है कि उसके अर्थ में नवीनता आ जाती है, उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है. जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हार, एक शब्द है यहाँ पर हार. ठीक है, हार शब्द में आ, प्र और वी, ये है शब्द के अंश अर्थात शब्दांश. आ एक शब्दांश है, प्र एक शब्दांश है और वी एक शब्दांश है. संग जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, देखिए हार में यहाँ पर मैं लिखती हूँ हार. ठीक है, हार में यहाँ पर आ, आ शब्द जोड़ने के लिए कह रहा है हार के पहले. ठीक है, यहाँ पर आ एक शब्दांश है. ओके, इसमें बोला जा रहा है हार जोड़ने के लिए, हार. तो ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा क्या, आहार. ओके, ये शब्द क्या बन जाएगा, आहार. उसी तरह यहाँ पर प्र शब्द को जोड़ करके क्या बन जाएगा, प्रहार. आहार, प्रहार और वी शब्द को जोड़कर विहार. तो शब्द प्राप्त होते हैं. इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक मूल शब्द के पहले में, फर्स्ट में, आरंभ में आ, प्र या वी जैसे शब्दांश को जोड़ करके हार शब्द में परिवर्तन आ गया, आहार, प्रहार और विहार. तो जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ में पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं, कैसे अलग अर्थ रखते हैं वो बताते हैं आप लोगों को अभी. जैसे देखिए यहाँ पर हार, हार अर्थात हार का क्या, हार हार अर्थात क्या, पराजय. हार का अर्थ क्या होता है, पराजय या फूल की माला. हार का अर्थ क्या होता है, पराजय या फूलों की माला. अब हम लोग देखते हैं जब इसमें आ, आ एक शब्दांश जुड़ गया तो ये बन गया आहार. तो जहाँ हार का अर्थ पराजय था या फूलों की माला था, वहीं पर आ शब्द के जुड़ने से हार शब्द में पूरी तरह, आ शब्दांश के जुड़ने से हार शब्द में पूरी तरह परिवर्तन आ गया और वो आहार अर्थात भोजन बन गया, भोजन
इस शब्द का अर्थ हो गया भोजन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह एक शब्द में जब कोई शब्दांश जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उसी तरह देखते हैं, हार शब्द में प्र जुड़ जाने से प्रहार हो गया अर्थात चोट। वी हार शब्द में वी शब्दांश जुड़ने से बन गया विहार अर्थात भ्रमण करना। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक पे अभी हम लोग यही समझे कि किसी भी शब्द में यदि कोई शब्दांश जुड़ता है, ठीक है, तो उस शब्द के अर्थ में यदि परिवर्तन आ जाए तो जिस शब्दांश के जुड़ने से उस शब्द में परिवर्तन आता है उसको कहते हैं उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल आ, प्र और वी को हम उपसर्ग कह सकते हैं क्योंकि ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है उपसर्ग। अब हम लोग समझेंगे उपसर्ग की परिभाषा क्या है। ओके, तो वे शब्दांश किसे कहते हैं वो तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू अर्थात आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे यहाँ पर प्र एक शब्द है, एक शब्दांश है प्र। प्र के साथ जय शब्द मूल शब्द है, इसके साथ जुड़ करके ये बन गया पराजय। ठीक है, उसी तरह सम और मोहन एक मूल शब्द है, मोहन के साथ सम उपसर्ग जुड़कर क्या बन गया सम्मोहन। ठीक है, जैसे मोहन यदि मोहन को ले तो मोहन का अर्थ होता है कोई किसी व्यक्ति का एक नाम, पर उसके साथ जब हम सम, ठीक है, उसके साथ जब हम सम शब्दांश को जोड़ देते हैं, मोहन के साथ जब हम सम शब्दांश को जोड़ देते हैं तब वो बन जाता है सम्मोहन, जिसका अर्थ होता है मोहित कर लेने वाला। ठीक है, मोहित कर देने वाला या मोहित कर लेने की कला जिसे आती है उसको कहते हैं सम्मोहन की कला उन्हें आती है। ठीक है, तो वो कहलाता है सम्मोहन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह मूल शब्द में जब कोई शब्दांश जुड़ जा रहा है अर्थात उपसर्ग जब जुड़ जा रहा है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जा रहा है। जैसे मोहन एक नाम था पर उसके साथ सम उपसर्ग जुड़ जाने से वो सम्मोहन हो गया। उसी तरह गमन अर्थात जाना, ठीक है, उसमें उसके साथ आ उपसर्ग जब जुड़ जाएगा तो आगमन हो जाएगा। तो जहाँ गमन का मतलब जाना होता है वही आगमन का अर्थ हो जाएगा आना। ठीक है, फिर है यहाँ पर अप ये मान शब्द में जब अप उपसर्ग जुड़ जाएगा, मान मतलब इज्जत, ठीक है, पर जब अप उपसर्ग इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अपमान। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह मीनिंगफुल मतलब मूल शब्द के साथ जब उपसर्ग को जोड़ा जा रहा है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं उपसर्ग। तो फिर से मैं एक बार डेफिनेशन आप लोगों को फिर से बता दूं, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे, उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला दे या तो उसकी उसकी विशेषता को बढ़ा दे तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ओके, एग्जाम्पल के साथ हम लोग अभी समझ चुके हैं, जैसे पराजय, जैसे पर सॉरी जय शब्द के साथ पर उपसर्ग को जोड़ देने से बन जाता है पराजय। जहाँ पर जय का अर्थ होता है जीत, वहाँ पर पराजय का अर्थ हो जाएगा हार। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरह उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो उपसर्ग होते हैं उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा प्रकार है विदेशी उपसर्ग। ओके, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। इसके अलावा भी अरबी फारसी के उपसर्ग आते हैं जो विदेशी उपसर्ग के अंडर में ही मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो हम लोग अब हम लोग जानते हैं कि ये संस्कृत के उपसर्ग आखिर क्या होते हैं, किसे कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो आइए जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग के बारे में।
संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक है अभी का? संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। जब मैंने आप लोगों को शब्द पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि तत्सम, ये आखिर तत्सम शब्द क्या होता है? तो संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत के शब्द को कहते हैं हम तत्सम शब्द। तो बोला जा रहा है संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। मीन संस्कृत का जो शब्द होता है, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उसको संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं जो शब्द उसको कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे क्या है, जैसे देखिए अत्याचार, ठीक है, अत्याचार, दुर्लभ, ये एक संस्कृत के शब्द है, पर संस्कृत के शब्द को सीधा हिंदी में हम लोग इसी शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी में, ठीक है। ये एक्चुअली है संस्कृत के, पर इसको इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, इसलिए इसको संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अत्याचार, अत्याचार में अब हम लोग जानेंगे कि अत्याचार जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है। तो जब भी हम लोग को ऐसा आएगा एग्जाम में, कोई शब्द दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसे आप मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग कीजिए, तो बच्चों अभी मैंने आप लोग को बताया कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो किसी मीनिंगफुल मूल शब्द के पहले पूर्व में जो शब्दांश लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अत्याचार, तो यहाँ पर मूल शब्द जो है वो है आचार, ठीक है, आचार, और उसमें अति उपसर्ग लगा है तो बन गया है अत्याचार। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह एक शब्द से मैंने मूल शब्द को अलग किया है और उपसर्ग को अलग किया है। उसी तरह दुर्लभ, दुर्लभ में लव जो है एक मीनिंगफुल शब्द है, लव, लव एक मीनिंगफुल शब्द है, और उसके उसके पहले क्या लगा है, दुर, दुर, तो दुर ये क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग, ओके। अब फिर हम लोग यहाँ पर कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे हम लोग और ज़्यादा समझ सकते हैं, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं पहले। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग को ही हम तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं, अर्थात संस्कृत के उपसर्ग वो है जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, ठीक है। जैसे अत्याचार, दुर्लभ, मतलब जो शब्द आप आपको लगे कि संस्कृत भाषा के हैं, संस्कृत के हैं, तो वही जो है वही शब्द हो जाएंगे आपके क्या, संस्कृत के उपसर्ग, उसमें यदि उपसर्ग लगा होगा तो, ठीक। और यहाँ पर कई एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे एग्जाम्पल। पहले अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सभी ये जो जितने भी शब्द हैं ये सारे ही संस्कृत के हैं, ठीक है। अब इसमें अज्ञान में, अज्ञान शब्द में हमारा पूछा जाएगा एग्जाम, अब क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम में कैसे आएंगे आपके प्रश्न जो आएंगे वो कैसे आएंगे। तो बच्चों मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में उपसर्ग से दो तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये तरीका होता है कि कई दो चार शब्द दिए जाएंगे और बोला जाएगा इससे मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। पहला क्या बोला मैंने, कैसे एग्जाम में आएगा, एक शब्द दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस शब्द से आप मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए, ठीक है, पहला। दूसरा कैसे आएगा, दूसरा कुछ उपसर्ग लिखे रहेंगे और बोला जाएगा इससे शब्द बनाइए, इससे संस्कृत के शब्द बनाइए, इससे हिंदी के शब्द बनाइए, इससे विदेशी शब्द बनाइए, ठीक है, उस तरह से आता है एग्जाम में। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे, आखिर अब तो ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग किसी भी शब्द से उपसर्ग को अलग करेंगे और मूल शब्द को अलग करेंगे। तो आइए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको सिखाती हूँ। जैसे है अज्ञान, ठीक है, अज्ञान। अब हम लोग को याद रखना होगा कि उपसर्ग यदि अलग करना है तो हमें याद रखना होगा कि मीनिंगफुल शब्द के आगे लगता है उपसर्ग। मीन्स हमें पीछे से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मूल शब्द क्या, मूल शब्द अर्थात मीनिंगफुल शब्द क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज्ञान, ज्ञान जो है एक मूल शब्द है अर्थात मीनिंगफुल शब्द है, इसका कुछ अर्थ है। इसमें कुछ, इस मूल शब्द के आगे क्या लगा है, तो आ लगा हुआ है।
इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो आ है यही हमारा हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग। किसी मीनिंगफुल शब्द के पहले कुछ भी लगे, कोई भी शब्दांश लगे, तो वो हो जाएगा उपसर्ग। तो आप लोग यहाँ पर सीखे होंगे कि किस तरह एक शब्द से मैंने मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग किया है। ये हमारा ज्ञान हो गया मूल शब्द और अ हो गया हमारा क्या उपसर्ग। ओके, अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं उठाती हूँ, अतिशय। ठीक है, मैंने उठाया अतिशय। अतिशय, अतिशय का देखो अतिशय शब्द से कैसे हम लोग मूल शब्द को अलग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो अति उपसर्ग हो जाएगा और शय जो है शय का अर्थ होता है बहुत। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मूल शब्द। अतिरिक्त, अति को अलग कर देंगे और रिक्त, रिक्त अर्थात खाली। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा रिक्त हो जाएगा मूल शब्द और अति हो जाएगा क्या उपसर्ग। ठीक है, उसी तरह अधिकार, अधिकार में अधि को अलग कर देंगे और कार हमारा हो जाएगा क्या मूल शब्द और अधि हो जाएगा उपसर्ग। अनुगमन, तो गमन मूल शब्द और अनु क्या हो जाएगा उपसर्ग। तो बच्चों जब भी आप लोग एग्जाम पे एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम दोगे, तो क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि आखिर क्या पूछा गया है। हमें शब्द से उपसर्ग को अलग करना है, मूल शब्द को अलग करना है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दिमाग में हमें रखना है कि हमारा जो भी शब्द होगा वो पीछे से मूल शब्द में बनेगा। जैसे अपवित्र, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है अपवित्र, अपवित्र। ठीक है, अब हम लोग यदि इसको आप ऐसे करके देखने जाएं अपवित्र, तो ये तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, ये तो मूल शब्द आप लोगों को नहीं लगेगा। तो जब भी उपसर्ग आप लोगों को एग्जाम में उपसर्ग से मूल शब्द को अलग करना होगा तो हम पीछे से इसको देखेंगे। ठीक है, याद रखना है ये चीज कि आगे से नहीं बल्कि इसको क्या करना है पीछे से देखना है कि पवित्र, पवित्र ये क्या हो गया मूल शब्द हो गया, तो उसके आगे जो लगा हुआ है वो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा उपसर्ग ही होगा। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग इस वीडियो को रोककर और आराम से सारे जो है शब्द को आप लोग देखेंगे और आपके पाठ्य पुस्तक में भी जो आप लोग की बुक है उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो वहाँ से भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। जितना शब्द को पढ़ेंगे उतना आप लोगों में जो है शब्द बनाने की कला जागेगी। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं, वो है हिंदी के उपसर्ग। अभी तक मैंने जाना कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, तो जो शब्द संस्कृत के होते हैं और उसमें कुछ उपसर्ग लगे होते हैं तो वो कहलाते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ओके, और फिर जाना कि कैसे किसी शब्द से मूल शब्द को अलग करते हैं और उपसर्ग को अलग करते हैं। आइए अब जानते हैं कि हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं। तो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव, आप लोगों को शब्द जब मैंने पढ़ाया था तो तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है, मीन्स हिंदी के शब्द जो शब्द होते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, मतलब हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग किससे करते हैं, हिंदी शब्दों में करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है अनपढ़, अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही, अधखिला, अधजला, अधमरा, अधकपारी। ठीक है, उनसठ, उनतीस, कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग, चौराहा, चौमासा, चकोर, चौकन्ना, तिमाही, तिराही, तिपाई, तिकोना, निहत्ता, निहर, निकम्मा, निधन, भरपेट, भरपूर, भरप्रयास, भरसक, दुसह, दुकाल, दुधारी, बिना ब्याह, बिन कहे, बिन देखे, बिन सुने। तो बच्चों अभी तक मैंने जितने भी शब्द पढ़े हैं सारे ही शब्द हिंदी के हैं। किसके हैं? हिंदी के हैं। इस वजह से इन शब्दों को हिंदी के शब्द, हिंदी का उपसर्ग कहते हैं। और इन सभी में देखो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे अनपढ़,
अनपढ़ शब्द है ना, अनपढ़, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये जो पढ़ शब्द है ये क्या है, ये हिंदी के शब्द हैं, ये हिंदी के हैं, और इसमें ये हिंदी के शब्द हैं, ठीक है, और इसमें अन उपसर्ग लगा है, इसमें क्या उपसर्ग लगा है, अन, ठीक है, अन उपसर्ग लगा है, तो बन गया है अनपढ़। तो इसी को कहते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के शब्द में जब कोई उपसर्ग लगता है तो वो हो जाता है हिंदी के उपसर्ग। अन बन, बन हमारा हिंदी का शब्द है, उसमें अन उपसर्ग लग गया है। जान हिंदी का शब्द है, उसमें अन लग गया है अनजान। होनी हिंदी के शब्द है, उसमें अन लग गया है अनहोनी। अन कही, कही हिंदी के शब्द है और अन लग गया है। उसी तरह बच्चों इसी में, इसमें भी वही रूल फॉलो हुआ है। पात्र हिंदी के शब्द है, ढंग, मार्ग, संग, ठीक है। तो इन सभी में देखो कु उपसर्ग लगा है, जैसे चौराहा, चौराहा में राह जो है हो जाएगा हमारा क्या, मूल शब्द, और चौ हो जाएगा क्या, उपसर्ग, ठीक है। आई होप आप लोगों को हिंदी के उपसर्ग समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं आइए समझते हैं। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इसमें याद रखना है, इसमें जो है अरबी, फारसी के अर्थात उर्दू शब्द का इस्तेमाल इसमें बहुत होता है। इसका एक अलग से भी बहुत सारे बुक में अलग एक पार्टिकुलर भी दिया गया है कि उर्दू के उपसर्ग, ठीक है, उर्दू के उपसर्ग बोलकर दिया गया है। तो उर्दू के उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे, तो जो शब्द उर्दू के होंगे वो उर्दू के उपसर्ग होंगे, ठीक है। उसमें यदि कोई उपसर्ग लगे हो उर्दू के शब्द में तो उर्दू के उपसर्ग हो जाएंगे या अरबी फारसी के उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। और विदेशी उपसर्ग तो किसी अंग्रेजी भाषा में, कोई अंग्रेजी भाषा जब ये हिंदी में प्रयोग होने लगती है तो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। उसी तरह किसी विदेशी शब्द में जब कोई उपसर्ग लग जाता है तो वो हो जाता है विदेशी के उपसर्ग। तो हम लोग अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि आखिर कौन होते हैं विदेशी के उपसर्ग और कौन होते हैं अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, एन वक्त, एन मौके, कमजोर, कम अकल, कम वक्त, गैर हाजिरी, गैर जिम्मेदारी, गैर कानूनी, दरअसल, दरख्वास्त। तो आप लोग अभी मैंने अभी जितने भी शब्द पढ़े हैं सारे ही शब्द क्या है, उर्दू के हैं, सारे ही शब्द उर्दू के हैं, ठीक है। वक्त, वक्त के साथ, वक्त यहाँ पर मूल शब्द हो गया और उसके साथ एन, एन जो है उपसर्ग लग गया है, ठीक है, तो हो गया है एन वक्त। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह मैंने शब्द से मूल शब्द को अलग किया है और उपसर्ग को अलग किया है। एन मौके, बच्चों जब भी शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करने के लिए दिया जाएगा तो शुरू से नहीं अंत से, पीछे से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है मौके, तो मौके यहाँ पर मूल शब्द हो गया और एन क्या हो गया, एन हो गया हमारा उपसर्ग, ठीक है। उसी तरह कमजोर, तो जोर शब्द क्या हो गया, मूल शब्द और कम हो गया उपसर्ग। कम अकल, तो अकल हो गया मूल शब्द और कम हो गया क्या, उपसर्ग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह जो है अरबी, फारसी या उर्दू के शब्द में उपसर्ग इस्तेमाल करने से ये हो जाते हैं उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि विदेशी उपसर्ग क्या है, आखिर विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है या अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है वो क्या है। एकदम अंतिम में आप लोग यहाँ पर देखिए, एकदम अंतिम में, ठीक है, देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, सब मैजिस्ट्रेट, तो इंस्पेक्टर, मैजिस्ट्रेट ये क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर ये क्या है, ये है हमारे अंग्रेजी के शब्द, बट इसमें सब, सब शब्द लगा, सब शब्दांश लगा हुआ है, अर्थात ये जो सब है ये क्या है, उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग या अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजी शब्द में जो है सब जैसे उपसर्ग का प्रयोग करके ये बन जाते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ओके, आई होप आप लोगों को उपसर्ग अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ यहाँ पर और एग्जांपल है,
जैसे अभिजात, अभिजात शब्द दिया हुआ है, इससे बोला गया है कि मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। तो हमारा अभिजात में अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा उपसर्ग और जात हो जाएगा मूल शब्द। उसी तरह प्रसाधन, प्रसाधन में देखिए साधन ये हो जाएगा हमारा मूल शब्द और जो प्र बच गया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपसर्ग। क्या है संस्ग्रह, तो यहाँ पर देखिए सम ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग और सग्र ये हो जाएगा क्या मूल शब्द। फिर है आसमान, आसमान में समान ये है हमारा मूल शब्द और आ हो जाएगा उपसर्ग। विज्ञापित, विज्ञापित में ज्ञापित, ज्ञापित जो है वो हो जाएगा मूल शब्द और वी हो जाएगा उपसर्ग। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य में भाग्य जो है वो होता है मूल शब्द और इसमें बचा ये जो र है वो इस तरह से हलंत वाला र होगा। ये कभी भी आप लोग इस तरह से नहीं लिख देंगे कि ऐसे करके नहीं लिख देंगे, ये गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आधा लिखने के लिए, आधा कुछ र या आधा प कुछ भी लिखने के लिए क्या करते हैं हम लिखते हैं ऐसे करके, ये हलंत लगा देने से, हलंत लगा देने का अर्थ होता है ये अ से रहित है। ठीक है, इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है, मीन्स ये आधा रॉ है। हाँ, तो उसी तरह और भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। असार, असार में सार जो है हमारा मूल शब्द हो जाएगा और अ हो जाएगा उपसर्ग। प्रसिद्ध, प्र हो जाएगा उपसर्ग और सिद्ध हो जाएगा मूल शब्द। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये उपसर्ग का वीडियो जो है वो आप लोग देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो किसी मूल शब्द के आरंभ में जब कोई शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो वो कहलाता है उपसर्ग, वो शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो उपसर्ग के हम लोगों ने अभी जाना है कि तीन प्रकार होते हैं। इससे भी अधिक आप लोगों के बुक में दिया जा सकता है कि अंग्रेजी अरबी फारसी के उपसर्ग जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो पार्टिकुलर एक भाग में दिया जाता है बुक में। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग हम लोगों ने अभी जाना। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, तो जो संस्कृत के शब्द में उपसर्ग लगे होते हैं वो कहलाते हैं संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, तो हिंदी के शब्द में जब कोई उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वो बन जाते हैं हिंदी के उपसर्ग। और विदेशी उपसर्ग मीन्स किसी भी अंग्रेजी भाषा के शब्द के साथ जब हम उपसर्ग को ऐड करते हैं तो वो हो जाते हैं विदेशी उपसर्ग। और अरबी फारसी का उपसर्ग क्या होता है या उर्दू का भाषा का उपसर्ग क्या होता है, तो जब हम किसी उर्दू या फारसी शब्द में किसी शब्दांश को ऐड करते हैं, उपसर्ग को ऐड करते हैं, तो वो कहलाते हैं उर्दू या उर्दू भाषा के उपसर्ग। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।